read the statement very carefully. Because today I won't be giving you much of the pointers, I'll tell you how to make the ideas. The class is going to be based how to make the ideas independently. कि आप खुद से ideas कैसे बनाओगे. You can't depend all the time on me. Question है, if asked to choose. Now this is a type of a question, ये अभी तक आपने इतने ज़्यादा करे नहीं हैं. You haven't done the questions with the conditional clause. पहला conditional clause इस पर उसने लगा दिया, if asked to choose between a life without work and a life that involves working most of the time. यहाँ तक कॉमा है, you have to pay attention on this also. Now what do you mean till here? If asked to choose a life without work or and a life that involves working most of the time, people will always choose not to work. ये इसने पूछा है, to what extent do you agree? ये पूछ सकता है आपसे, do you agree or disagree? ये क्वेश्चन आ सकता है, advantages and disadvantages of working more or working less. Preferences of people. It can be in any of the form. Leave this part, to what extent do you agree? इतने का मीनिंग मुझे समझाओ जरा. कहते हैं, if people they are asked to choose whether they should work or they should not work, क्या चूज करेंगे लोग? कहते हैं लोग ज़्यादातर चूज करते हैं कि काम नहीं करना हमने. डू यू अग्री विद दिस? हाँ, कम ऑन, यू हैव टू पार्टिसिपेट, अदरवाइज आई वोंट बी टेकिंग द क्लास. इफ गिवन अ चांस, वुड यू लाइक टू वर्क मोर और वुड यू लाइक टू नॉट टू वर्क? बैक साइड, हाँ, नॉट टू वर्क. कैनेडा जाना है कि नहीं? आपको मालूम है नॉट टू वर्क होता क्या है? वॉट इज़ नॉट टू वर्क? अनएम्प्लॉयड, टोटल वेले, कोई काम नहीं है आपको. एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू हैव नथिंग टू डू? बोर. पीपल डाई ऑफ पॉवर्टी. वर्क इज नॉट एंटरटेनमेंट, वर्क इज लाइवलीहुड, वर्क इज योर अर्निंग. That is what the question is. Up to what extent do you agree? If asked to choose between life without work or life with work, what would you choose? What would people choose? Work. Do you agree? People will choose. People will always choose not to work. Disagree. People will choose to work. Why people will choose to work? इसमें हम क्या करेंगे? We will be discussing about the. Come on, what are we going to discuss? What are we going to discuss? Come on. Advantages of work, benefits of work. What are the benefits of work? Now just take a minute and tell me what are the benefits of work. फटाफट बनाओ आंसर. हाँ, हाँ, और व्हाट एल्स? फिजिकल एडवांटेज. तो वो तो स्पोर्ट्स खेलो जाके. आप वो चीज़ मत एग्जामिनर को बताओ जिसमें उसको समझने के में बहुत टाइम लगे. हो सकते हैं कि नहीं, वो तो नहीं मालूम. फिजिकल एक्टिविटी वर्क में होती है, इट कैन बी अ फील्ड वर्क और इट कैन बी अ लेबर्स वर्क. व्हाई यू वांट टू पिक अप अ पॉइंट व्हिच इज लिटिल कंट्रोवर्शियल? व्हाट आइडियाज कैन यू मेक ऑन दिस? कम ऑन, बैक साइड. बेनिफिट्स ऑफ वर्क सोच लो भाई. कनाडा जाके काम करना है? आप बिल्कुल काम करने के मूड में नहीं लग रहे मुझे. लिखो फर्स्ट पॉइंट. द स्टेटमेंट इज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल.
The statement is highly controversial whether people would choose to work or a life which involves no work. मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है. Which involves no work. The choices can be personal, but keeping in mind the general tendency of people most of them prefer life which involves lots of work. Is it clear? अब आपकी मर्जी, आप इसमें पार्शल जाना, फुली जाना या कैसे भी जाना, बट इसमें अग्री करने वाली कोई बात नहीं है. पीपल दे डोंट प्रेफर अ लाइफ विदाउट वर्क, बिकॉज लाइफ विदाउट अ वर्क इज गोइंग टू बी अ वेरी सब स्टैंडर्ड लाइफ. नोबडी कैन बी फ्री फॉर लाइफ थ्रू आउट, बट स्टिल इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस. कुछ लोगों को वेले रहना बहुत अच्छा लगता है. लगता है कि नहीं? यस मैम. शैल आई गिव यू द पॉइंटर्स. अब इसमें क्या चीज़ आएगी हमारी? बेनिफिट्स ऑफ वर्क, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस. व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ वर्क? गुड पॉइंट. और गुड. फर्स्ट पॉइंट लिखो. जॉब्स आर जनरली डन अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट एंड अबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ विद वर्क मेक्स अ पर्सन सिक्योर फाइनेंशियली एंड सोशली. Next point, living standard increases and a person becomes a recognized figure in the society. Next point, work makes a person busy and creative. Next point, stamina and capacity increases
stamina and capacity increases, which is a big support for future settlements. Support for future settlements. Next point, hard work, smart work. Hard work and smart work, they both develop the personality of a person. Next point, involvement in any working activity, in any working activity, is a stress buster, is a stress buster. Moreover, it builds confidence. It builds confidence. Now stop here only. आपके पास BP1, BP2 के pointers आ गए. Now just tell me, is there any benefit if people choose a life which involves no work? कोई फायदा है उस life का जिसमें लोग choose करेंगे हमने कोई काम ही नहीं करना? Backside है कोई फायदा? Holiday can be enjoyed for limited days. Life cannot be taken as a holiday. If you take your life as a holiday, life is going to give you a very bad lesson. Work can be anything, designated work ho, non-designated ho, aapke paas koi bhi kaam ho. Even ghar ka kaam bhi jo hota, that is a work. Once you are doing the work, you become creative, you become active, you become involved in that work, and your personality starts developing. Is this clear? अब इस तरह के जो questions आएंगे उसको इस तरीके से handle करना है. सबसे पहले हमने सोचा कि work होना चाहिए, फिर उसके बाद हमने सोचा कि अगर होना चाहिए तो that means we have to talk about the benefits of work. Is it clear? अब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये कर लोगे ना कंप्लीट? अब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था दैट वीमेन दे शुड नॉट वर्क, वर्किंग वीमेन दे डोंट टेक केयर ऑफ द हाउस. डू यू अग्री और डिसअग्री? बिकॉज द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन इज चेंजिंग अ बिट. क्वेश्चंस का जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स वेरी क्लियरली. नाउ डू यू अग्री विद दिस? वर्किंग वीमेन, women should not work. Agree? No. Why? उसमें भी benefits of work आएंगे. And why women is given a right to work? Because once a person is educated, he has a complete right. And working under no constitution is allowed that there has to be a gender discrimination. Men can work and women can work. जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मेन और वीमेन का आता है तो उसमें बात होती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये सेक्शन काम करेगा ये नहीं करेगा. इवन देयर वाज अ क्वेश्चन इफ़ यू रिमेंबर, कौन सा क्वेश्चन था हमने थोड़े दिन पहले किया है, सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स, वीमेन गर्ल्स दे डोंट अंडरस्टैंड फिजिक्स एंड मैथ्स सो दे शुड ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़. अग्री और डिसअग्री? डिसअग्री. क्योंकि जो एक ही समझ में आता है वो दूसरे के भी तो आता ही है. इज दिस ओके? तो यहाँ पे क्या चला हमारा? बेनिफिट ऑफ वर्क. अब देखो इसमें कुछ पूछना है तो पूछो मेरे से. एनी थिंग यू विश टू आस्क, जस्ट टेक अ मिनट एंड लेट मी नो.
Have you understood how the writing is developed? Yes or no? क्या हो गया आज क्लास को? आज मूड खराब लग रहा है आपका? What's wrong? क्या हो गया आज? पेपर आ गया? पेपर तो है ही नहीं इस क्लास में. Anybody is for 26 paper? No one. Then don't be stressed. Writing we have done in 4 parts. First, क्या करा हमने? Intro. Second, हमने क्या करा है? Agree. Benefits दिए उसके. Third भी हमने benefits दिए. That is why the pointers are more. And fourth we have given. ये फ्लो चार्ट जरूर दिमाग में रख के आंसर बनाना, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी. डोंट इंटरमिंगल द पॉइंट्स एंड दिस इज रादर अ स्ट्रेट एसे इन विच देर इज नो डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्क. एंड पीपल नाउडेज ड्यू टू हैवी कंपटीशन दे प्रेफर टू वर्क इवन ओवर टाइम. अब ध्यान से सुन लेना, हर चीज़ नहीं मैं लिखवा सकती आपको. क्वेश्चन है एक, दैट सम पीपल दे प्रेफर टू वर्क ओवर टाइम, इज इट बेनिफिशियल और नॉट? अग्री डिसअग्री बाद में करेंगे. ओवर टाइम इज बेनिफिशियल? यस, सेम ही उसमें बेनिफिट्स ऑफ वर्क आ जाएगा. फिर एक क्वेश्चन है दैट इन सम कंट्रीज इट इज बिलीव्ड दैट देर शुड बी नो हॉलीडे. इट शुड बी ओपन, नो हॉलीडे. इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि वो हॉलीडे लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता. ऐसा होना चाहिए? इंडिया में कितनी हॉलीडेज होनी चाहिए? सैटरडे ऑफ चाहिए? ऑफ चाहिए. सैटरडे का मतलब है कोई एक दिन ऑफ चाहिए हमें? एक दिन ऑफ चाहिए? दो दिन ऑफ चाहिए हमें? क्यों? बाकी कंट्रीज में यू विल बी फाइंडिंग टू डेज ऑफ, तो व्हाई नॉट इंडिया? क्योंकि वर्ड इंडिया नहीं आएगा, डेवलपिंग कंट्री आएगा. इस चीज में ध्यान रखना, इन डेवलपिंग नेशंस टू ऑफ डेज आर नॉट रिकमेंडेड बिकॉज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री नीड्स टू बूस्ट. कंट्रीज इकोनॉमी विल फॉल डाउन इफ वी हैव मेनी हॉलीडेज. Many holidays or it can be even many strikes, that also damages the economy of the country. तो छुट्टी हमें कितनी चाहिए? एक. और developing countries में तो मर्जी होनी चाहिए कि छुट्टी लो या ना लो, काम चलते रहना चाहिए. ठीक है, अगर किसी में stamina है, उसको ज़रूरत है, तो वो 7 दिन भी काम कर सकता है. कोई कंपल्शन नहीं है. वो अपनी हॉलीडेज़ को सेव करके इकट्ठी 10 दिन की हॉलीडे ले सकता है. बट अननेसेसरी हॉलीडेज आर नॉट रिकमेंडेड. समझ आ गया वर्क के रिलेटेड जितने मैंने बोले हैं? इज इट ओके बैक साइड? क्लियर? चलो आगे. अब देख लो कुछ पूछना है तो. एनीबडी वांट्स एनी डिस्कशंस, यू आर ओपन फॉर इट. एनी क्वेश्चन पूछ ले, नहीं तो मैंने पूछने हैं फिर.